Hey guys, welcome back to the channel. चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है, एक स्पेशल सी वीडियो है, एक अलग सी वीडियो है जो आपको इस चैनल पर देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे मन में काफी दिनों से था कि एक्चुअली मैं घर पे एक बुफे प्रिपेयर करूं, जिस तरीके का हम होटल्स में जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, डिनर के लिए मैंने एक बार प्लान किया था, अब की बार मैंने सोचा है कि हम ब्रेकफास्ट के लिए ऐसा कुछ करें। तो यह वीडियो उसी के बारे में है, उससे रिलेटेड हम प्रिपरेशन के भी बारे में बात करेंगे कि आप क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने गेस्ट के लिए बेसिकली कुछ ऐसा सोच रहे हैं, या अपनी फैमिली के लिए भी वीकेंड पर कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, उनको सरप्राइज दे सकते हैं, तो ये टिप्स और कुछ चीजें होंगी जो आपको यहाँ पर बहुत काम आएंगी। हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, मेन्यू डिसाइडिंग की बात करेंगे, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कैसे आपको मेन्यू डिसाइड करना चाहिए, और साथ ही उसकी प्रेजेंटेशन तक हम बात करेंगे कि हम डेकोरेशन भी हम उसको कैसे कर रहे हैं। सारी चीजों के बारे में ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मेन्यू की बात करूं, आई नो कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल होगा, लेकिन ये आपको मेन्यू डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि मैंने मेन्यू में क्या क्या चीजें डिसाइड की है। वीडियो के अंत तक आपको वो सारी चीजें पता लग जाएंगी। अगर आप चाहें तो सेम मेन्यू अपने लिए भी अपना सकते हैं। मेन्यू की जब हम बात करते हैं, तो आपने जब भी आप होटल विजिट करते हो, आपने देखा होगा कि जो मेन्यू है उसमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, उसमें वैरायटी भी होती है। आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी चीजें मिल जाती हैं, और स्वीट से लेकर आपको जो है थोड़ा सा स्पाइसी भी, थोड़ा टैंगीनेस भी, वो सारी चीजें, जूस भी, ब्रेड भी, सैंडविच, पराठा, ऑमलेट, ये सारी चीजें आपको, फ्रूट सलाद, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। उन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने आज का अपना मेन्यू डिसाइड किया है। अगर आप मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए, तो आप अपनी फैमिली के लिए, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या गेस्ट के लिए, तो आप उन्हीं की चॉइसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो टिप्स हैं वो हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे एक कुकुम्बर बोट बनाना है, और कुकुम्बर बोट में जो मैं यूज करने वाली हूँ फिलिंग, उसमें मैं बॉइल्ड चना चाट काइंड ऑफ यूज करने वाली हूँ। तो मुझे चाहिए बॉइल्ड चना, और साथ ही क्योंकि पराठा भी बनाना है, तो पराठा के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी पोटैटो, पनीर, मटर, गोभी, प्याज, बेसिकली एक मिक्स वेज पराठा हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में मुझे चाहिए पोटैटो एंड ब्लैक चना, तो हम उन दोनों को बॉईल करने के लिए सबसे पहले रख देते हैं। तो मेरे पास है पोटैटो जो कि हमने वॉश कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से। मैंने 4 पोटैटोज ही लिए हैं, दिस आर इनफ फॉर मी, क्योंकि बूफे है तो बहुत सारी वेरायटी होंगी, तो 2-4 से 5 पराठा जो है हमें वो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सो हम कुकर में 4 ये जो है मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिए हैं, फिर मैंने इसको डाल दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें चना डाल देते हैं और इसको बॉइल कर देते हैं। तो आइए मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। सो मैंने इसमें 4 पोटैटोज लिए हैं और ब्लैक चना आप देख पा रहे हैं, पानी इतना ही डाला है जितने में कि ये डूब जाए हमारे, जैसे कि आप नॉर्मली पकाते हो उसी तरीके से। इसके साथ ही मैंने इसमें ये डाल रही हूँ इतना, यानी कि ये 1/4 टेबल स्पून, जो हमारा टी टेबल स्पून होता है, उतना जितना मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं वो लिया है हमने, और इसमें मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जो है, 1.5 टेबल स्पून में यहाँ पर, टेबल टी स्पून में यहाँ पर यूज कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ पर सोल्ट डाला है। ठीक है, तो ये ब्लैक सोल्ट नहीं है, नॉर्मल सोल्ट ही है, जैसे वो प्यूरो वाला आता है वो वाला मैं यूज करती हूँ, तो वो है यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी वर्जन। गैस को हम जो है ऑन कर देते हैं और लिड लगा देते हैं, और उसके बाद इसमें हम 2 सीटियां आने देते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी सीटी आपके कुकर के अकॉर्डिंग उतना आप आने देते, तो 2 सीटी जो है वो हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो हमने लिड लगा दिया है, 2 सीटी का वेट करते हैं। तो सारी चीजें अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी होता है। ये मैंने कुछ मेन्यू है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये सभी के कंसेंट से, सभी से पूछ के जो भी खाने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने पोहा रखा है, पोहा में मैंने थोड़ा सा हेल्दी वर्जन रेड पोहा बनाने वाले हैं हम, बॉयल्ड एग है, और मिक्स जो पराठा है वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, पराठा मिक्स यहाँ पर, और एक काइंड ऑफ ब्रंच होगा ये, तो उसके बाद के लिए हम मिक्स वेज राइस और दाल, जिसमें कि मैं इसी राइस को 2 तरीके से बनाने वाली हूँ, एक सिंपल वेज पुलाव और सेकेंड सैंडविच राइस हम यहाँ पर बनाएंगे, और ब्रेड बटर जैम का ऑप्शन होगा सैंडविच के
लिए जो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का वेज सैंडविच होता है विदाउट टोस्ट होटल्स में, वो हमने यहाँ पर रखा है। फ्रूट्स में पपाया, वाटरमेलन मैंने लिखा है, इसके अलावा और भी फ्रूट्स मैंने लिया है, ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, वो मैंने यहाँ पर लिया है। जूस यहाँ पर एक हमने वाटरमेलन जूस रखा है, साथ ही कोई भी फ्लेवर्ड मिल्क वो हम बनाने वाले हैं। और हॉट बेवरेजेस की बात करें तो आपके पास नॉर्मल कॉफी, टी, हॉट मिल्क, ताकि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स रख सकते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स अगर आप रख रहे हैं तो हॉट मिल्क वो रख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो और इसके अलावा आप चटनी, ग्रीन चटनी, रेड चटनी या मायो वो रख सकते हैं। ये मैंने कुछ ऑप्शंस रखे थे, लेकिन इसमें से मैं जो बनाने वाली हूँ, मैंने अभी सोचा है स्वीट डिश अगर मैं बनाऊंगी तो आपको ऑब्वियसली इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। उसके साथ कुकुम्बर बॉट जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो मैंने ऐड की है, और एक मैं बनाने वाली हूँ मखाना भेल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। इसके अलावा ना मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, जैसे कि क्या क्या मुझे प्रिपरेशन कर देनी है, तो वही प्रिपरेशन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। आपको पता होता है कि क्या प्रिपरेशन मैं पहले कर सकती हूँ और क्या मुझे अगले दिन करनी है। तो ये एक हेल्पफुल टिप्स है आपके लिए। सो मैंने यहाँ पर आलू और काला चना अपना दोनों बॉयल हो गए हैं, इसमें मैंने दो सीटी दिलवा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ वेजेस को हम कट कर लेंगे, जैसे कि हमें चाहिए सैंडविच के लिए और मुझे चाहिए पराठे के लिए भी, ठीक है। मिक्स वेज पराठा है और सैंडविच है, और राइस में भी सब्जी डलेंगी तो उसको हम कट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सो मैंने यहाँ पर कैरेट ली है, कैरेट, उसके बाद यहाँ पर कॉर्न है, तो एक कॉर्न चाट बनाएंगे और उसके साथ साथ ना कुछ कॉर्नस को हम सैंडविच राइस में भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम बॉईल करके रख लेते हैं, कैरेट कट कर लेते हैं, रेड और येलो बेल पेपर है इसको कट कर लेते हैं, ग्रीन कैप्सिकम है, बीन्स है इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बंद गोभी ली है, कैबेज, इसको हम सैंडविच में यूज़ करने वाले हैं बहुत ही हल्का सा, और सैलेड में तो इसको हम ले लेते हैं, और ग्रीन चिली और टमाटो इनका मैं पेस्ट बना के रख लूँगी। ऑनियन मैं सुबह ही काटूंगी क्योंकि ऑनियन में स्मेल हो जाती है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है आप हम प्रिपरेशन करके इसको रख लेते हैं। और बेसिकली मुझे दो तरीके से चाहिए, क्योंकि हम जो मिक्स वेज राइस बनाने वाले हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, बट हाँ जो सैंडविच बनाने वाले हैं वही सैंडविच जैसे अपने होटल्स में खाएगा उसमें बहुत बारीक मुझे चीज़ें चाहिए, तो उनको तो मैं चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। और जो यहाँ पर हम मिक्स वेज राइस के लिए यूज़ करेंगे, मिक्स राइस के लिए बेसिकली, वेज राइस के, वेज पुलाव के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पर अब इनको कट कर लेती हूँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। वेजेस राइस के लिए हमने यहाँ पर कट कर लिया, कैरेट कट हो गया है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी बीन्स हैं, बीन्स को भी इसी में डाल लेते हैं, और मैंने ग्रीन, येलो और ऑरेंज पेपर, तो ये भी हम इसी में डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कट कर लिया, तो इतना ही बहुत है क्योंकि चार से पाँच लोग हैं उन्हीं के लिए ये ऐसे बन रहा है, तो क्वांटिटी कम ही चाहिए क्योंकि बाकी आइटम्स ज़्यादा है इसीलिए। तो आप जितने लोगों के लिए बनाएं उतने लोगों के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रोस्ट कर लेते हैं मखाना, मखाना भेल के लिए। तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें हम डाल लेते हैं अपने मखानास, तो जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसको तो आप एक्स्ट्रा भी करके रखेंगे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं इजीली, बाद में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सा गोल्डन होने तक इसको हम अच्छे से जो है रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप जैसे इसको तोड़ के देखेंगे तो अभी ये बहुत सॉफ्ट है, जब उसके बाद इतना रोस्ट हो जाना है कि ये बहुत ही अच्छे से जो क्रैक करें एकदम क्रंची सा फ्लेवर दे। तो इसको हम बहुत ही नॉर्मल सी भेल बनाने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आइटम हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बट हाँ एक चाट का लुक देने के लिए ये एक भेल जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से जो है रोस्ट कर लेंगे आप इसको घी में, और उसने ही अकॉर्डिंग जितने भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। अगर आप ये भेल बना रहे हैं ना तो इसके साथ जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं पफ्ड राइस का, या फिर आप चिवड़ा भी इसमें डाल सकते हैं, पोहा जिसको हम बोलते हैं, आप इसमें मूंगफली, नट्स वो सब भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमल बना रही हूँ तो मैं बस इसमें रोस्ट करके और हम इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डालेंगे हल्के से मसाले जो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो आप जब इसको रोस्ट कर रहे हो ना तो इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पर, सिम फ्लेम पर बिल्कुल इसको रोस्ट करना, वरना क्या होगा ऊपर से तो ये ब्लैक हो जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, गोल्डन होंगे, और फिर ज़्यादा आप इसको पकाओगे तो ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन अंदर से वो जो क्रंचीनेस है ना वो नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं ये, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको करना, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप इसको रोस्ट करेंगे ना उतना ही फिर आपका अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा।
तो बहुत ही जल्दी ये हमारे रोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 70% रोस्ट हो गया। आप इसको देखेंगे ना, बहुत गर्म है, तो अभी मैं आपको फोड़ के नहीं दिखा सकती। ये देखो इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा और रोस्ट करेंगे तो ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, बस एक दो मिनट, और उसके बाद हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिल्क शेक बनाने की प्रिपरेशन। तो एक फ्लेवर्ड मिल्क हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉयल कर लिया है और इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगी ये कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर। तो हम कस्टर्ड से जो है शेक बनाने वाले हैं, ठीक है। कलर के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर केसर भी यूज़ करने वाले हैं। कुछ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो इसमें मैंने लिया है आलमंड्स, कैशू एंड पिस्ता। तो तीनों चीज़ को हमने बादाम, काजू, पिस्ता को चॉप कर लिया बहुत ही अच्छे से, क्योंकि शेक है तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है ये यहाँ पर। और जो है मिठास के लिए मैं यहाँ पर चीनी के बजाय कंडेंस मिल्क यूज़ करने वाली हूँ, ताकि एक थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए इसमें। तो दूध हमारा बॉयल हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक बॉयल में सबसे पहले दूध को निकालेंगे और इसमें हम जो है कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा गर्म दूध, ठीक है। आप गुनगुना भी ले सकते हो और आप चाहो तो कोल्ड में भी, हॉट में क्या है ना बहुत ही अच्छे से ये मिल जाएगा। तो ये जो पाउडर है हम इसको 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पर इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर द फ्लेवर। तो ये मैंने वेनिला यूज़ किया, आप चाहे तो इसका बटर स्कॉच या जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर भी परफेक्ट आ जाए और हम इसको अच्छे से जो है एकदम, देखिए ऐसा कुछ स्मूथ पेस्ट हम इसका पेस्ट काइंड ऑफ बना सकते हैं आप, या इतना लिक्विड। और इसको हम उबलते दूध में डाल देंगे और इसको भी हमें फिर से पकाना है 4 से 5 मिनट। तो इससे हमारे दूध में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा और एक फ्लेवर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप जैसे पार्टी के लिए कर रहे हैं तो जैसे स्ट्रॉबेरी आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक पिंक कलर आ जाएगा, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो जो ये पेस्ट है, इस पेस्ट को हम जो एक ये लिक्विड हमने जो बनाया है, इसको अब हम इस दूध में मिक्स कर लेते हैं। और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और चलाते हुए आपको 4 से 5 मिनट तक आप इसको जो है तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। अगर जैसे गाढ़ा हो जाए तो आप बाद में इसमें कोल्ड मिल्क मिला सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको पका लेते हैं और साथ ही हम इसमें जो अपने हमने ये डाला था ड्राई फ्रूट्स, ये भी हमने जो काटे थे ये भी हम इसमें मिला लेते हैं और अच्छे से हम इसको, तो ये एक तरीके से जैसे गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी को हम कस्टर्ड, इसमें हम फ्रूट्स डालकर इसको कस्टर्ड के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, कस्टर्ड फ्रूट्स। और चाहे तो इसके मिल्क शेक बनाने के लिए अब आप इसमें मिल्क मिला लेंगे। तो अभी हमने ये कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और इसमें हम थोड़ा सा केसर भी मिला देते हैं। हमने देखो इतना अच्छा कलर ये यहाँ पर आ गया, हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप इसको सर्व करते टाइम इसमें चिल्ड, एकदम चिल्ड जो है मिल्क आप इसमें मिला सकते हैं। तो अभी ये ऑलरेडी गाढ़ा है लेकिन फिर भी हम कस्टर्ड मिल्क जो है मिठास के लिए मिला रहे हैं और थोड़ा सा हम इसमें शुगर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड मिल्क है, मैंने मिल्क मेड का लिया है, आप जो भी लेना चाहें वो आप यहाँ पर जो लेकर मिला सकते हैं अपने मिठास के अकॉर्डिंग। आप पहले चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या है ना कुछ कस्टर्ड मिल्क जो है वो उसमें ऑलरेडी स्वीट रहता है, तो अगर आपका कस्टर्ड मिल्क ऐसा है ना तो आप उसमें पहले टेस्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा पैकेट्स पर क्या लिखा है, फिर उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर इसको मिलाइएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, 3 से 4 मिनट तक हम इसको करेंगे, 2 या 1 से 2 मिनट तक, और बस हमारा ये तैयार हो जाएगा। इसमें जब भी आप इसको सर्व करोगे चिल्ड वाटर, चिल्ड मिल्क आपको मिलाना है, आइस क्यूब डालनी है, एंड दैट्स परफेक्टली रेडी। आप इसको गार्निश कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, और आप चाहें तो इसमें ऊपर जो टूटी फ्रूटी है हमारी चेरीज हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैरेट, और यहाँ पर है हमारे पास ग्रीन, येलो एंड रेड पेपर्स, यहाँ पर है हमारे पास कुकुम्बर, उसके साथ मैंने लिया व्हाइट ओनियन, ये है हमारे पास कैबेज, और ये है टमाटो। तो इन सबको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक जूसी काइंड ऑफ फ्लेवर मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि एक वाइट सैंडविच में होता है, बिना टोस्ट के हम इसको सिंपल सा सैंडविच बनाने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, चॉप कर लेंगे, और जितना बारीक हो सके ना उतना आप चॉप कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, एक ठीक सा, ताकि क्योंकि उस कंसिस्टेंसी में आपका जो सैंडविच है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको फटाफट से चॉप कर लेते हैं, हमने ये बारीक चॉप कर लिया, बहुत ही कलरफुल ये यहाँ पर हमारे पास बन गया है। अब इसमें मायो ना हम तब मिला लेंगे जब हम सैंडविच बनाने के लिए रेडी होंगे, जब हमें एकदम से सैंडविच देना तब हम मायो इसमें मिला देंगे। नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ मैं एक स्वीट डिश, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है, और इसके लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम इस तरीके की सेवैया यूज़ करने वाले हैं, जो सेवैया आती है ना बैम्बू सेवैया जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये इसमें ना अनरोस्टेड है,
लिखा है इस पे रोस्टेड, लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा रोस्टेड। और वैसे भी अगर आपके पास रोस्टेड है ना, तो फिर भी आप इसको रोस्ट कर लेना और इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कर लेना। तो मैंने इसको पैकेट के अंदर ही बहुत ही अच्छे से जो है मैंने इसको तोड़ दिया है। तो आप इसको पैकेट के अंदर ही बहुत ही अच्छे से तोड़कर और फिर हम इसको रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको पैकेट से निकाल के भी आराम से रोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आ गया है। अब मैंने एक ही यूज़ किया इसमें, ठीक है। तो एक ये बहुत है, ये 200 ग्राम्स आई गेस, ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, 130 ग्राम्स है ये। सो दिस इज़ मोर देन इनफ। तो इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसका ना हमने एक कटोरी का शेप लेना है, तो इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास रोस्ट है तो फिर भी आप इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना, क्योंकि हमें ना इसमें अब कंडेंस मिल्क मिलाना है। तो इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं और जो फ्लेम है ना वो आप कम रखना, ताकि जले ना एकदम से। अब इसको और छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। मैंने इसको पैकेट में ही ऐसे कर लिया था, तो बन जाएगा हमारे पास इतना, चाहे जितना आप छोटा पीसेस इसमें कर सकते हैं। ये आप देखो रोस्ट हो गए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इसमें अब हम कंडेंस मिल्क मिला देंगे। कंडेंस मिल्क ना आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, और हमें इसका ऐसा चाहिए जैसे हम लड्डू बनाते हैं, क्योंकि हमें इसको जमाना है, ठीक है। तो आप गैस बंद कर दीजिए, फ्लेम बिल्कुल ऑफ, और उसके बाद कंडेंस मिल्क मिलाइए। फटाफट से मिला देते हैं, वरना तब तक ये जल ना जाए। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब लिया। इससे क्या होगा ना, इससे मिठास भी आ जाएगी और एक बाइंडिंग भी जो है ना वो बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब लिया। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डाल लेंगे। यह हमारा मिक्स हो गया बहुत ही अच्छे से, देखिए। तो हम इसको जमाएंगे ना तो ये आराम से जम जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब हम इसको, या तो आपके पास कुकीज़ मोल्ड है तो वो यूज़ कर लो, या फिर आपके पास बाउल होंगे आप उनको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके के, ये वाइट बाउल। आपके पास जो भी बाउल है इस शेप में, स्टील में या कांच में, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओडी रैप यूज़ किया नीचे। आपके पास थिन फिल्म हो तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, मेरे पास अभी ख़त्म है तो इसलिए मैं ओडी रैप यूज़ कर रही हूँ। हमें इस तरीके से शेप देनी है। आप देखो मैंने इसको बाउल की शेप दे दी है और बीच में मैंने फिलिंग के लिए इसमें जगह छोड़ दिया है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सब में कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इस तरीके से मैंने इन बाउल्स को बना लिया। ये मैंने 3 बनाए हैं। अभी हमारे पास इतना बचा है 130 ग्राम में से। इसकी एक सेकेंड डिश भी बन सकती है जो कि हम इसमें बनाएंगे, जिसमें आप इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं फर्स्ट, उसके ऊपर जो भी आपकी फिलिंग है जैसे रबड़ी है, मावा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी आप दोबारा से वो फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिश बन जाएगी। हम एक ही फिलिंग करेंगे, ऊपर हम अलग से ढकेंगे नहीं इसको, इससे तो इसको भी हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने इसको इसमें यहाँ पर प्लेट कर दिया, तो थोड़ी सी कमी बच गई क्योंकि हमने 3 बाउल भी इसमें से यूज़ किया, वरना आप इसको पूरा फिल करके केक की तरह बहुत ही अच्छा बना सकते हो, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे बना दिया है, 3 बाउल बना दिए हैं। तो अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रखना है, बर्फ़ वाले फ्रीज़र में नहीं, सॉरी, ठीक है, फ्रिज में रखेंगे। अब हम कीवी को कट करना सीखेंगे, कैसे स्टाइल में आप इसको कट कर सकते हैं। इसका भी आप दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे। तो कीवी देखते टाइम आप बस ये देख लीजिएगा कि अच्छी कीवी ना बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा ही कि इस तरीके से कि बहुत आसानी से दब जाए। इसको हम पहले छील लेते हैं। अब हमें इसका फ्लावर बनाना है। आपने बहुत देखा होगा, तो फ्लावर के लिए टूल भी आता है, आप उस टूल से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इससे बना सकते हैं। तो इस तरीके का कट जो है हम लगाते हुए चलेंगे, थोड़ा सा गहरा कि आप सेंटर पॉइंट तक जा पाएं। और अगर आपके पास ऐसा टूल है तो फिर तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। फ्रूट जो प्लेटर है आप उसकी सेंटर में इसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे आपने शादियों में देखा होगा कि वहां पर जब भी हम सलाद लगाते हैं तो एक फ्लावर जरूर बनाते हैं हम टमाटो का, वो आपको दिखाई दे जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा फ्रूट प्लेटर की शोभा बढ़ाएगा। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, क्योंकि मैंने नाइफ से कट किया है तो ये इसीलिए ऐसा। तो ये हमारा हो गया है फ्रूट,
क्या लिए, जो हमारा फ्लावर बन गया है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, फिर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको किया है। सेकेंड जो मेथड है उसमें बस आपको इसको कट करना है, अगेन जैसे कि हमने ड्रैगन फ्रूट को किया था, आप इसको छील के ही रखें। जैसे ड्रैगन फ्रूट में तो हमने फिर भी छिलका छोड़ दिया था, आपने शादियों में देखा होगा कि वहां पर आपको मिल जाता है इस तरीके से, लेकिन यहां पर इसके जब हम कीवी का यूज कर रहे हैं तो आप इसका छिलका जरूर हटाएं ताकि खाने में आसानी हो। इसको अब आप दो तरीके से कट कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप इसको कट करेंगे वो हम देख लेते हैं। एक तो तरीका हमारा ये हो गया जहां पर हमने इसको फ्रूट बनाया, एक आप इसको बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप में कट कर देंगे। अब आपने इसको राउंड शेप में जो कट किया है, आप चाहें तो इसको इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो सेम इसको हाफ पीस में भी आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये है, इसको आप हाफ पीस में कट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको आराम से अच्छे से इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको ये अच्छा लगे उसी तरीके से आप इसको सर्व कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही फ्रूट कट करके बता दिए हैं, इसके अलावा वाटरमेलन है उसको भी हम कट करना अभी सीखेंगे। तो ये है हमारा स्टाइल जिसमें हमने ड्रैगन फ्रूट और हमने कीवी दोनों को अच्छे से किया है। ड्रैगन फ्रूट की कटिंग हमारी हो गई है। सेकंड जो मैं फ्रूट प्लेटर में यूज कर रही हूँ वो है अपनी कीवी, जो कि फ्रूट प्लेटर की शान बढ़ाएगी। चलिए आइए इसको देखते हैं कि कितने तरीके से और कैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हम फ्रूट चाट बनाने वाले हैं और फ्रूट चाट अच्छे से आप कैसे अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, तो अलग अलग फ्रूट्स की कटिंग हम देखेंगे कितने स्टाइल से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारा काइंड ऑफ फैमिली फंक्शन है, तो मैं वहां पर वेरियस वेराइटी जो है फ्रूट्स की मैं रख सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट एक व्हाइट होता है, एक पर्पल कलर होता है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको आपको अच्छे से वॉश करना है और फिर हम देखते हैं कि किस स्टाइल्स में आप ड्रैगन फ्रूट को कट करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको चाहिए दो टूल, एक आपको चाहिए स्पून और ऑब्वियसली एक आपको कटिंग करने के लिए चाहिए नाइफ। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आप कट कर दीजिए। इसको एकदम प्लेन हम बना देंगे। यहां से साइड से कट लेते हैं, यहां से कट कर लेते हैं और हम इसको यहां से भी कट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा और हम यहां से इसको कट कर लेते हैं। हम दो तरीके से इसको कट करने वाले हैं, तो एक तरीका तो है हम इसको पहले बीच में से हाफ कर लेते हैं। तो ये व्हाइट कलर वाला ड्रैगन फ्रूट है, हमें क्या चाहिए कि हमें ये निकालना है और इस वाले छिलके को हम एज इट इज रखना चाहते हैं, एक स्टाइल वो है। और दूसरी स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लंबा काट के और एज इट इज आप इसको रख सकते हैं, या चाहे तो इसका इस छिलका भी हटा के आप इसको रख सकते हैं, तो वो हम करेंगे। उससे पहले हम स्पून की मदद से ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब इसी को हम यूज करेंगे इस फ्रूट को रखने के लिए, इसको हम कट कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसी को इस तरीके से भी कट करके रख सकते हैं और हम इसको स्क्वायर में या जिस भी शेप में आप इसको चाहते हैं, आप चाहें तो लंबा या फिर स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, जिस भी शेप में आपको चाहिए उसी शेप में आप इसको रख सकते हैं। तो ये हमारे पास तैयार हो गया, कट गया है हमारा फ्रूट, तो इसको अब हम इसी में सर्व करने वाले हैं। तो आप जब भी कोई भी फ्रूट सैलेड रख रहे हैं, फ्रूट सलाद रख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको आराम से अच्छे से इन पीसेस को यहां पर आप आराम से इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसी को आप यूज करेंगे और बाकी सब फ्रूट्स के बीच में आप इसको अच्छे से इस तरीके से रख पाएंगे। आप चाहें तो सिंपली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे टू स्टाइल्स हो गए जिसमें हमने इसको कट किया। थर्ड स्टाइल है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, थोड़ा मोटा मोटा हम इसको काटेंगे।
आप इसको इस तरीके से सर्व करके रख सकते हैं, इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका छिलका इसका हटा सकते हैं, इसी को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट करेंगे, क्या आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे बाकी सारे फ्रूट्स के साथ जब आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप रख सकते हैं या ऐसे की बजाय, ये तो हमारा ये स्टाइल हो गया जिसमें आप ऐसे रख सकते हैं क्योंकि ये एकदम से स्मूथ नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपको लुक देगा। इसके अलावा आप इसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, मैंने ये थोड़ा मोटा काटा है, अगर आप जैसे अभी मैं स्टाइल में यूज कर रही हूं, अगर आप ऐसे रखने वाले हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला पतला कट कीजिएगा, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि आप ड्रैगन फ्रूट को किस किस तरीके से आराम से रख सकते हैं। अभी हम सेकेंड बढ़ते हैं अपने दूसरे फ्रूट्स की ओर। तो हमें एक दाल फ्राई बना ली है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है मूंग दाल और उसके साथ मैंने अरहर दाल ली है। तो जितनी अरहर ली है उसके हाफ से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए सॉल्ट डाल देंगे और इसके साथ ही हम हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसको बॉयल होने देंगे, साथ ही हमें चाहिए राइस, तो राइस के लिए हम यहाँ पर पानी बॉयल कर लेते हैं फिर हम राइस बनाएंगे। पानी राइस के लिए बॉयल हो गया है तो इसमें हम राइस डाल देते हैं और यहाँ पर हमारी सीटी जो है दाल में वो आने वाली है। आप चाहो तो राइस को थोड़ी देर पहले भिगो के रख सकते हो, मैं एज इट इज डाल रही, मैंने भिगो के नहीं रखे हैं। तो ये हम राइस डाल देंगे और इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। सब्जी जो है अभी हम नहीं डालेंगे, हम इसके साथ मिक्स वेज जो हमने सब्जी कट करके रखी थी शाम को वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन वो तब हम डालेंगे जब ये चावल आधे लगभग पक जाएंगे या 60-70% पक जाएंगे उसके बाद, ताकि जो सब्जी में जो क्रंचीनेस है वो एज इट इज़ बना रहे। राइस हमारा लगभग हाफ कुक हो गया है तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वेजेस डाल लेते हैं। तो ये जो कल हमने वेजेस कट करके रखी थी वो है, प्लस इसमें मैंने सफल मटर ले लिया है, उसको हम यहाँ पर इसमें डाल लेते हैं ताकि क्रंचीनेस भी जो है वो बनी रहेगी। इसको अच्छे से आप स्टर कर दीजिए और आप इसको पकने दीजिए। तो राइस जब भी आप बनाएं ना तो धीमी आंच पर आप बनाएं ताकि वो अच्छे से अपना परफेक्ट तरीके से जो है वो फूल पाए, पूरा लंबा जो है राइस का दाना वो अच्छे से हो पाता है इसमें। अब हम आटा लगा लेते हैं फॉर द पराठास, पराठा बनाने हमें दो चार, तो उसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। अब हमें बॉयल करना है मिल्क, मिल्क को हम बॉईल करेंगे क्योंकि जो हमने ये कटोरिया बनाई थी ना इसके अंदर अब हमें रबड़ी चाहिए, तो रबड़ी बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप रबड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में यानी कि खोआ जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे और खोए के साथ हम इस रबड़ी को बनाएंगे। तो मैंने ये अमूल का खोआ लिया है, आपको जो भी मार्केट में अगर खुला खोआ मिल जाता है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोन मिल्क यूज़ किया क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ, आप फुल क्रीम यूज़ करना तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। कुछ हम इसमें केसर डाल देंगे और मिठास के लिए अगेन कंडेंस मिल्क, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट हम कट कर लेते हैं वो हम डाल देंगे अगेन। तो दूध को बॉयल आने देते हैं, उसके बाद हम इस खोए को इसमें थोड़ा मिला देंगे थोड़ा सा गर्म होने के बाद। आटा हमारा यहाँ पर लग चुका है तो हम पराठे के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। दाल बॉयल हो चुकी है तो हम उसके लिए ऑनियन और टमाटो कट कर लेते हैं और राइस हमारे अबाउट टू कुक हैं। तो हमारी लगभग हमें सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, 15-20 मिनट के अंदर हमारा राइस, हमारी दाल और हमारा आटा भी लग चुका है और खोआ भी बनने जा रहा है। ये देखिए राइस हमारे कुक हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसका जो वाटर है वो हम स्ट्रेन कर देंगे और हमारे राइस कुक्ड हैं। हमने राइस को स्टेन कर लिया और ये शहनवाज फ्राइड राइस मसाला डाल के, इसमें बस आपको ये मसाला मिलाना और कुछ भी नहीं करना, और मैंने इसको कुछ राइस को ऐसे हमें बना लिया है हमने इसको। दूध हमारा बॉयल हो गया तो इसमें अब हम डाल देते हैं अपना खोआ, स्लो फ्लेम कर देते हैं, और खोआ, ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस मिल्क, ये हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो इस तरीके का ये खोआ है, इसको चाहो तो आप हाथ से ऐसे करके डाल दो, वरना आप चाहो तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा पनीर होता है सेम उसी तरीके का टेक्सचर है, तो आप आराम से इसको हाथ से फोड़ के डाल सकते हो। इसके अलावा ना आप जब डालो ना इसको तो इसमें चेक कर लेना आपने जो मार्केट से लिया है वो मीठा तो नहीं है, अगर वो मीठा है तो फिर आपको मिठास डालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मिठास के लिए अगेन जो हमारा थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बच गया था उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा शुगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
हमने यहाँ पे मावा डाल दिया प्लस कंडेंस मिल्क भी डाल दिया और मैंने यहाँ पे केसर की पत्तियाँ भी डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जब थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा ना उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो डालेंगे। तो आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आपका ड्राई फ्रूट्स आपको मन करता है जो आप खाते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको हम स्टर करते रहेंगे अच्छे से और इसको भी हम गाढ़ा होने देंगे। तो हमें रबड़ी का टेक्स्चर बनाना है। अभी हमने जितना खोआ डाला है उसके हिसाब से हम थोड़ी देर गर्म करके देखते हैं, वरना जरूरत पड़ने पर हम और भी इसमें खोआ जो है वो डाल देंगे। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है ये देखो, और मैंने ना इसमें सारा का सारा मावा मिला दिया है। तो ये मैंने हाफ लीटर दूध में जो हमारे पास 200 ग्राम के लगभग मावा था वो मैंने सब मिला दिया यहाँ पर। तो इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। सो हमारे वेज राइस और शहनवाज राइस दोनों ही हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। अब हम अपनी तैयारी करते हैं पोहे के लिए। पोहा हमें बनाना है तो मैंने इसमें जो घी है वो मैंने यहाँ पर डाल लिया है। यहाँ पर मैं रेड पोहा बना रही हूँ तो मैं यहाँ ऑर्गेनिक का रेड पोहा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, वहाँ पर रेड राइस और रेड पोहा बहुत ही फेमस है। अगर आपके एरिया में मिल जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। पोहा हेल्दी है, उसी का और हेल्दी वर्जन अपना ये रेड पोहा है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपना ऑनियन। तो मैंने ढेर सारी ऑनियन लिया है कांदा, ठीक है। और जो हमने रेड पोहा है हमने इसको भिगो लिया है, हमने इसको वॉश करके, और एक दो टेबलस्पून आप इसमें पानी डालिएगा और उसके बाद है ना आप इसको सोख होने को रख दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगा था पकने में। तो ये इस तरीके से सोख हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। फिर हमारी रबड़ी भी साथ ही साथ यहाँ पर हो रही है, देखो गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम रबड़ी बना रहे हैं और वो खोए से बना रहे हैं, इसलिए जल्दी बन रही है, अदरवाइज दूध से हमें ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसको बनने देते हैं अभी। कलर देखिए, केसर का जो कलर है वो हमने जो केसर डाला था वो बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। जो भी इसके साइड में किनारे पर इस तरीके से लगता रहे आप उसको जो है अच्छे से हटाते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए दानेदार ऐसा बनना शुरू हो गया, तो अभी हमारे पास बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास ऑनियन हो गई है, ऑनियन को हमने सोते कर लिया है। टमाटोज डाल देते हैं तो मैं मिनिमल टमाटो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि मैं रेड चिली हम पोहे में यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल बनाएंगे सिर्फ नमक और हल्दी के साथ। तो इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो है पीनट्स ऑलरेडी रोस्ट करके रखे हैं, वो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ऑनियन टमाटो हो गया है अच्छे से, अब हम इसमें अपना पोहा डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम आप लो रखेंगे ताकि ये नीचे लगे। तो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, बस अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और धनिया पत्ती कट कर लेते हैं बस। उसके बाद हमारा जो पोहा है वो तैयार है। इसमें हम थोड़े से पीनट्स भी डाल देते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम। और इसको भी आप सेम उसी तरीके से जैसे आपको अनारदाना डालना है इसमें, या फिर आपको इसमें जो है हम जो भुजिया डालते हैं सेम डालते हैं वो डालना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो ये पक गया हमारा, क्योंकि हमारा जो पानी में इसको रखा था, तो जैसे आप प्रिपरेशन करें ना उससे पहले आप पोहे को पानी में भिगो के रख सकते हैं एक दो मिनट के लिए। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो आपका ये पोहा पक गया। इसका थोड़ा सा कलर ऐसे है क्योंकि ये हमारा रेड पोहा है, फिर भी हमारा देखने में बहुत ही टेस्टी और यम्मीस्ट है। अब इसमें बस धनिया पत्ता डालना है और हमारा पोहा रेडी। पोहा हमारा बनकर रेडी है। दाल हमारी बॉयल हो गई है देखिए बहुत ही अच्छे से। अब हम यहाँ पर तैयारी करते हैं अपने दाल के छौंक की फटाफट से। घी गर्म हो गया है, हमने डाल दिया जीरा, थोड़ी सी अजवाइन एंड हल्की सी हींग, ये हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं ऑनियन सोते हो गई हैं, ग्रीन चिली एंड टमाटोज, रेड चिली डाल दी हमने इसमें और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कलर एकदम परफेक्ट आए। दाल डालते
अगर आपको पानी की कमी लगे तो आप इसमें पानी इस स्टेज पर डाल सकते हैं और इसमें एक बॉयल आने दें। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कलर आ गया, जो रेड कलर हमने डाला था ये मिर्च का, तो ये मिर्च का कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कलर परफेक्ट है। अब इसमें बस हम धनिया पत्ती डाल देंगे उबाल आने के बाद। अब हम बनाने जा रहे हैं मखाना भेल, तो बहुत ही सिंपल सी और थोड़ी सी टैंगीनेस के साथ बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऑनियन हमने डाला है और थोड़ा सा टमाटो, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये जो मसाला है होममेड मसाला, इसमें सारे मसाले जो स्पाइसेस मिक्स हैं, आप चाहें तो इसमें ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, चाट मसाला, ये सब चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं। और इसको बहुत ही अच्छे से टोस्ट कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू जूस, जो लेमन जूस है, वो हम यहाँ पर मिला देंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने टेबल पे सब लगा दिया। ये हमारी दाल है, ये हमारा वेज पुलाव, और ये हमारे पास सैनवाज राइस है, यहाँ पे पोहा है, ये कर्ड है, ये हमने पराठा लगा दिया है, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट कीवी, और यहाँ पर है तरबूज और पपाया, मेलन एंड पपाया। यहाँ पर हमारी कुकुम्बर चाट है, यहाँ पर हमने भेल चाट बनाई है, और यहाँ पर साथ ही ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग भी हैं, और स्वीट डिश में हमने ये सेवैया कटोरी बनाई है, इसमें अंदर रबड़ी डाली है, ब्रेड बटर के लिए बटर यहाँ पर है, डार्क चॉकलेट भी रखी है फॉर स्वीटनेस, और यहाँ पर है हमारे पास सैंडविचेस, और इंस्टेंट कॉफ़ी रखी है हमने, इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये हॉट मिल्क रखा है, और ये है हमारे पास मिल्क शेक। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी टेबल जो है इस तरीके से डेकोरेट हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी थी और कुछ आने वाली इसी तरीके की और वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much. Bye-bye. Take care.